तहत जीजा की नाबालिग भतीजी का अपहरण करने की संगीन मामले में आरोपी समेत उसके 3 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नागपुर शहर के पांचपावली में जीजा के भतीजे को अगवा करने का संगीन मामला सामने आया है। नाबालिग छात्रा को उसके चाचा के साले ने ही साथियों की मदद से अगवा कर लिया। पांचपावली पुलिस ने आरोपी छिंदवाड़ा निवासी 24 वर्षीय अभिषेक श्रीराम चौरे और उसके 3 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभिषेक का जीजा पांचपावली थाना परिसर में रहता है। उसके जीजा के भाई को 17 वर्षीय बेटी है, वह कॉलेज छात्रा है। 8 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे अभिषेक अपने 3 साथियों के साथ कार में सवार होकर नाबालिग छात्रा के घर के पास पहुंचा। उसने छात्रा को ताजबाद से घूमकर आने का झांसा दिया। वह नाबालिग को कार में बिठाकर छिंदवाड़ा ले गया। नाबालिग के लापता होने से परिजनों ने खोजबीन शुरू की। उन्होंने बेटी छिंदवाड़ा स्थित अभिषेक के घर में होने का पता चला। नाबालिग के पिता ने अपने भाई अभिषेक के जीजा को छिंदवाड़ा भेजा। उन्हें अभिषेक के घर पहुंचने पर नाबालिग भतीजी मिल गई, लेकिन अभिषेक और उसके परिजनों ने नाबालिग को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाबालिग के पिता ने पांचपावली थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। इस प्रकरण में अभिषेक के परिजन भी लिप्त होने की जानकारी है। नमस्कार, मैं पीएसआई राजेश डोंगरे, पांचपावली पुलिस स्टेशन नागपुर। तारीख 10/4/2023 को मैं डे ऑफिसर था। उस दिन एक कंप्लेंटर थी श्रीमती रामकुमारी सेतु अहिरवार, उम्र 37 वर्ष, रहना बापूकुटी नगर। उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट डाला कि उनकी एक 18 साल से कम उम्र की लड़की है। वो लड़की तारीख 8/4/2023 को दोपहर को 11:30 बजे वो जो फिरियादी है उसका एक भाई है जो बापूकुटी नगर में रहता है। उसके भाई का जो साला है अभिषेक श्रीराम चौरे, उम्र 21 साल, रहना बोना खैरी गांव, तहसील इसरा, उमरिया, जिला छिंदवाड़ा, पुलिस थाना चौरई, मध्य प्रदेश। यह घर पे अपने 3 दोस्तों के साथ आया था। अब इनके कहीं ना कहीं सब फैमिली रिलेशन है। उसने लड़की की माँ को बोला कि भाई हम ताजबाग घूमने जा रहे हैं, वो लड़की को भी बोला, और वो लड़की उन चारों दोस्तों के साथ घर से ये बोलकर गई कि मैं ताजबाग जा रही हूँ घूमने के लिए। बाद में शाम हो गई, वो लड़की वापस नहीं आई, तो उसकी माँ परेशान हो गई। उसने इधर उधर फोन फान की, पूछताछ की, तो मालूम पड़ा कि वो जो लड़की थी उनकी, वो जो ये गुने का मेन आरोपी अभिषेक श्रीराम चौरी, इसके साथ उसके घर पर गोना खैरी गाँव जो है जिला छिंदवाड़ा में, वो वहाँ गई थी। फिर उसने वहाँ अपने भाई को भी भेजी कि भैया लड़की वहाँ है तो थोड़ा सा लेकर आ जा, तो लेकिन वो लड़की वापस नहीं आई। या यूं समझो कि वो आरोपी ने वो लड़की को भेजा नहीं, लड़की अंडर एज थी, 18 से कम की थी, तो लड़की की माँ के कंप्लेंट के ऊपर जो फिरियादी है रामकुमारी अहिरवार, हमने आरोपी और उसके बाकी जो 3 दोस्त थे उनके ऊपर 363/34 का गुना दाखिल किया। उसका CR नंबर है 258/2023। आरोपी कल हमको मिला, आरोपी को हमने अरेस्ट किए, लड़की भी सेफ मिली है, लड़की को काउंसलिंग किया, लड़की को आज काउंसलिंग के लिए जो दक्षता समिति उधर भी भेजा। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहीन पठान की रिपोर्ट।